हेलो हेलो, क्या है सभी के एक और नए ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस हफ्ते की बात करते हैं, इस हफ्ते में क्या नया आया है, क्या न्यू ट्रेलर्स आए हैं, मूवीज आए हैं, वेब सीरीज आए हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे भुवन बाम यानी कि बीबी की वाइंस का जो नया वेब सीरीज आया हुआ है हॉटस्टार स्पेशल में, ताज़ा खबर जो कि माइंड ब्लोइंग है, झकास है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। पहले बात करते हैं इस हफ्ते के ट्रेलर के बारे में, जो इस हफ्ते ट्रेलर्स आए हुए हैं यूट्यूब पे। सबसे पहले बात करेंगे गांधी एंड गोड से एक युद्ध, ये फिल्म आने वाली मेरे हिसाब से जो ट्रेलर देख के लग रहा है, जो गांधी और गोडसे के बारे में, क्यों गोडसे ने गांधी को शूट आउट कर दिया था। इस फिल्म में आप लोगों को देखने को मिल सकता है गांधी और गोडसे के बारे में जो विचार आदान प्रदान किए जाएंगे, जो कि हम लोग बातचीत करके सुलझा सकते थे। आई थिंक शूट करने की आदत नौबत नहीं पड़ती। गोडसे ने गांधी को क्यों मारा था, पूरा रीज़न आप लोगों को देखने को मिल सकता है। एक तरह की डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये ऑलमोस्ट आएगी थिएटर्स में 26 जनवरी को, लेकिन रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी को ये फिल्म आप लोगों को देखने को मिल सकती है थिएटर्स में। लेकिन उसी से एक दिन पहले हमारा पठान भी आ रहा है, इसका भी ट्रेलर अभी तक तो नहीं आया है यूट्यूब पे कहीं भी। उसका ट्रेलर 10 तारीख को आने वाला, 10 जनवरी को आने वाला है, और 25 तारीख को उसका रिलीज़ हो जाएगा हमारे थिएटर्स में। कहीं ना कहीं इस फिल्म में इंदिरा गांधी को भी लाया जा सकता है, क्योंकि एसोसिनेशन के बारे में भी दिखाया गया है उसमें, कुछ सिख का भी, कम्युनिटी का भी दिखाया गया था। आई डोंट नो वो किस तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे संतोषी सर जो स्क्रीन के डायरेक्टर भी हैं, स्क्रीन पर राइटर भी हैं, वो देखने लायक होगा फिल्म के अंदर, आप जाकर देख सकते हैं। और म्यूज़िक की बात करें तो इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, क्योंकि म्यूज़िक दिया है हमारे लेजेंडरी सिंगर AR रहमान सर ने, तो म्यूज़िक की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अगली फिल्म का जो ट्रेलर आया है काफ़ी ब्लॉकबस्टर ट्रेलर है, क्योंकि इसका ऑलरेडी यूट्यूब पे 36 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं जिस टाइम तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वो है वारिसू का, जो कि है हमारे विजय थालापति की मूवी वारिसू। और मूवी बहुत ही बवाल होने वाली है, क्योंकि उसके ट्रेलर से ही समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्शन है, रोमांस है, कॉमेडी है, थ्रिल है, फैमिली ड्रामा है, सब कुछ आप लोग फैमिली पैक देखने को मिल सकता है इस फिल्म में। आई नो कि इस फिल्म बहुत ही कमाल की होने वाली है, पोंगल पे आने वाली 2023 में, जो बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिल जाएगा। पोंगल यानी कि मकर संक्रांति के दिन आप लोग को ये फिल्म देखने को मिल सकती है नज़दीकी थिएटर्स में। पठान से पहले आप लोग को देखने को मिल जाएगा ये फिल्म, जाकर देख सकते हैं आप लोग। कंप्लीट फैमिली फिल्म होने वाली है ये। इसके अलावा विजय थालापति का इसमें लुक है जो बहुत ही कमाल का है, और रश्मिका मंदाना भी का भी लुक इसमें काफ़ी अच्छा, डिसेंट दिखाया गया है। मुझे तो काफ़ी पसंद आया ट्रेलर, आप लोग भी जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को, और फिल्म भी जाकर जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं ताज़ा खबर के बारे में, भुवन बाम का जो वेब सीरीज़ आया है हॉटस्टार स्पेशल पे, ताज़ा खबर उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें टोटल 6 एपिसोड से ऑलमोस्ट सारे एपिसोड 25 से 30 मिनट के अंदर ही अंदर हैं। आप लोग को ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा कि बहुत ही बोरिंग स्टोरी है, हालांकि स्टोरी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, मतलब कि आप अनुमान लगा सकते हैं देख कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आप लोग को कहानी से जोड़ कर रखता है ये सीरीज़। देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका फर्स्ट हाफ बहुत ही अच्छा है, सेकंड हाफ थोड़ा सा क्लीशे हो जाता है, थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो जाता है, मतलब चीज़ें बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड जा रही है सेकंड हाफ में। उसको हल्का सा अगर इलाबोरेट करते तो देखने में और भी मज़ा आता है। एक प्रूफ आप सभी के लिए कि जो उसका फर्स्ट एपिसोड है खाना खाते समय मत देखना, क्योंकि कुछ तो है इसमें आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। और सेकंड बाकी सारे एपिसोड से कमाल के हैं, फैमिली के साथ आप चाहे देख भी सकते हो अगर ओपन हो तो, अगर ओपन नहीं हो फैमिली के साथ तो अवॉइड करना फैमिली के साथ देखने का, क्योंकि उसमें काफ़ी थोड़ी बहुत गाली गलौज भी हैं और कुछ एडल्ट सीन बोल्ड सीन्स भी हैं इसमें, उतने नहीं है लेकिन कुछ तो है। और इसका जो कास्ट है काफ़ी अच्छा है, 5 से 6 लोग हैं लेकिन सभी ने अच्छा काम किया है। और जो लोग बोलते हैं कि यूट्यूबर्स कॉन्टेंट क्रिएटर्स अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते, उन सभी के लिए भुवन बाम का ये एपिसोड, ये भुवन बाम का ये सीरीज़ कमाल का है। आई जस्ट लव्ड इट, और ही इज़ जस्ट इनक्रेडिबल फैंटास्टिक इन दिस होल सीरीज़, आई लव इट। अब मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी जाके हॉटस्टार पर देखिए। और या दैट वॉज ऑल अबाउट द ताज़ा खबर। अब मैंने यूट्यूब पे कुछ लोगों को देखा है बोलते हुए कि बहुत बेकार एक्टिंग किया गया है, बहुत बेकार, बोरिंग है, प्रेडिक्टेबल है। भाई ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कहीं से बोर नहीं करती वेब सीरीज़ आप लोगों को। आप लोगों को ऐसा नहीं रहेगा कि अब छोड़ दें, मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लगा कि मैं अभी छोड़ देता हूँ बाद में देखेंगे, ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा, एक पॉइंट भी नहीं लगा। मैंने ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की वेब सीरीज़ है लेकिन मैंने कहीं भी स्किप नहीं किया, कहीं भी ब्रेक नहीं लिया, कंटिन्यूसली मैंने देख ख़त्म कर दिया इस वेब सीरीज़ को। और कमाल की वेब सीरीज़ है, आप सभी को रिकमेंड करेंगे, जाइए जाके देखिए और इंजॉय करिए। बस यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, कुछ भी कंप्लेन है, कुछ भी सजेशन है तो इंस्टाग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप लोग को, और अगर कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग वहाँ भी मैं देखता हूँ, रिप्लाई करता हूँ आप लोग सभी को। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।